हेलो हेलो गाइस, गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द गर्ल्स। और मेरा नाम है प्रीति। मेरा नाम है प्रीति सिंह। तो गाइस, आज हम लेकर आए हैं मूवी का ट्रेलर, हीरा मंडी द डायमंड बाजार। द डायमंड, सी संजय लीला भंसाली की मूवी है, मतलब तू कुछ क्या बड़ा। सी क्या बोल रही थी? मैं कुछ और पढ़ने वाली थी। करें स्टार्ट। सिर्फ घुंघरू पहन लेने से औरत तवायफ नहीं बनती है, दिन के और रात के सारे हुनर सीखने पड़ते हैं। जुबान रखते हुए हाथ छू जाए तो साहब के अरमान और जिस्म दोनों जाग जाने चाहिए। Sir, these tawaifs are very powerful, and they have the nawabs under their thumbs. क्या फिरोज साहब, अब आधे मिनट का भी एहसान जताएंगे आप? तीर निशाने पे लगा है मेरी जान और हाथ में। Excuse me, this is the men's room. ऐसा नजारा लेडीज रूम में कहाँ देखने को नसीब होगा? फरीदन दहलीज पार कर गई, दीवार पार नहीं कर पाएंगी। पुरानी दीवारें पार नहीं की जाती, गिरा दी जाती है। शराफत हमने छोड़ दी, मोहब्बत ने हमें छोड़ दी, अब सिर्फ बगावत हमारी जिंदगी को मायने दे सकती है। एक बार मुजरे वाली नहीं, मुल्क वाली बनकर सोचा। नवाब जोरावर अली खान जब जूता भी मारता है तो सोने का मारता है मलिका जान। ये शाही महल है और यहाँ के खुदा हम हैं। ये मलिका जान का दामन है, इतने से खून से इसकी प्यास नहीं बुझेगी। आप इसी फव्वारे में बेजान नंगी तैरती नजर आएंगी। पता और बगावत के बीच कोई लकीर नहीं होती, इश्क और इनकलाब के बीच कोई फर्क नहीं होता। हीरा मंडी में अंग्रेजों का नहीं, मलिका जान का सिक्का चलता है। तगड़ाने वाला है। कहानी अच्छी लग रही है, और जिस तरह का उस टाइम का बताया है, बैक टू द राजा महाराजा वाली पीरियड। सेंचुरी। भाई उस टाइम पे जीना भी कितना मुश्किल होता था, मतलब घुस बम से आ रहे थे, जैसे जैसे वो कह रहे थे इनकलाब जिंदाबाद। मजा आ रहा था देखने में, और एक्टिंग तो अच्छी की है। मतलब एक तरीके से वो दिखाया है कि हीरा मंडी एक जाना माना नाम है, तो उस वहां पे उनके लिए क्या असर पड़ा था उनके जीवन पर और क्या चीजें हैं और जो। उन्होंने कैसे लड़ा। हाँ, क्योंकि बाकी तो हम सब सुनते आए हैं, सुना है, देखा है, मतलब वैसे नहीं देखा, मूवीज में देखा है, पर ये अलग है। मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते उस टाइम पे लोगों ने क्या झेला होगा, मतलब सिर्फ सोच सकते कि हाँ ऐसा हुआ होगा, उन्होंने ऐसा किया होगा। पर पर भाई वो करते डर टाइम और दर्द, मतलब कि तुम्हें बंदूक लेकर अपने देश को ही बचाना है, और साथ ही साथ अंदर इतना डर भी है कि खुद को कैसे बचाओगे। मतलब दर्द अगर हल्की सी खरोच भी लग जाती है तो इतना दर्द होता होता है, है भाई, बहुत तगड़ा। तो पता नहीं कैसे उन लोगों ने किया होगा। तो गाइस इसी बात पे हमें अपना नाज होना चाहिए और उन पे गर्व भी होना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। Full of pain. Why don't you stay?